दोस्तों पहुंच गए गोगा मेड़ी और ये सब उतर के आ रहे हैं अभी। अब यहां से जाएंगे पहले गोरख टीले, उसके बाद देखो क्या होता है। दोस्तों एक बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ना हमारी पूरी गैंग ने फैसला किया है कि अभी चल रहे हैं मंदिर पे जाकर रुकेंगे। और मंदिर वो सामने दिख रहा होगा, देखो वो वहां जाना है। अभी थोड़ी सी धूप भी है, गर्मी तो है ही, लेकिन जा रहे हैं और कुछ बहुत आगे चले गए। तो बस अभी थोड़ी देर में गुरु गोरखनाथ के मंदिर पर पहुंचने वाले हैं, फिर वहां की बात करते हैं। ओके यार, फाइनली गोवा गुरु गोरखनाथ के मंदिर पर पहुंच गए। ये सामने मंदिर है गुरु गोरखनाथ का, और उससे पहले इन भैया ने रोक लिया था यार, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रसाद खिलाया बैठा के, मजा आ गया। अब तो खत्म हो गया। ठीक है भैया, जय बाबा की। ठीक है, और ये पहुंच गए गोरख टीले पे। अब आगे ये सब सहपाठी आगे जा रहे हैं बैग लटका लटका के। गर्मी तो है यार भयंकर। थोड़ी अभी यहाँ भीड़ भाड़ कम सी लग रही है, या तो दोपहर की वजह से या कुछ भी हो। और ये आ गया पूरा मंदिर। हाँ यार धूप बहुत तेज है। हाँ हाँ गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। अब हम पहुंच गए यहाँ। यहाँ पे क्या है, मंदिर में एंटर करते टाइम लगाते हैं दंडौती, लेकिन अभी गर्मी की वजह से सब बोल रहे हैं बाद में लगाएंगे बाद में लगाएंगे। बाकी मैं तो सोच रहा हूँ कि लगा लूं यार। चलो यार मैं लगा रहा हूँ दंडौती, अब लगा ही लूं यार। लगेगी गर्मी लग रहे हैं। ठीक है भाई, बढ़िया है। तो बजा के तो दिखा यार, फेमस हो गया तो आपने फेमस हो गया। ये मंदिर, ये जो है सामने जो देख रहे हो, इसमें ना लाइन लगती है नौमी से एक दिन पहले, बहुत भयंकर भीड़। और ये हम पहुंच गए यहाँ। चाचा यार मेरे को दंडौती लगानी है, पकड़ लो। अरे यार कोई नहीं, लगा रहा ना, लगाने दे रहा। चलो शाम को लगाएंगे। और ये जय हो। और देखो ये है हमारे अजगर महाराज, देखो टच करके दिखाऊंगा। ओहो ओहो जय हो। सो रहे हो क्या? ओहो भाव वाह ना, आराम से। और ये रहे छोटे महाराज, छोटे महाराज है बच्चा। और ये सब महाराज ही महाराज हैं। एक बोरे ब्लैक कोबरा, ओ ये जय हो। ओ हो भाई साहब, फंदे हो इसका। बोल गुरु गोरखनाथ की जय। चलो आगे बढ़ते हैं, मजे लेते रहो धीरे धीरे। और ये आ गए मंदिर पे। ये मंदिर बाबा का पूरा, यहां से एंटर करते हैं मंदिर में। और ये जो सामने देख रहे हो ना, इसके बिल्कुल उधर साइड ताल बना हुआ है। यहाँ का ताल वहां से अच्छा है, पक्का ताल है, एकदम सीढ़ी विड्डी बनी हुई है, बढ़िया है। और यहाँ एक पार्क है बहुत शानदार है, वो भी दिखाऊंगा। वो हुआ तो शाम को दिखाऊंगा, अभी तो बहुत ज्यादा धूप है और गर्मी भी लग रही है यार। ओहो ये देखो कबूतरों को चुहाया जा रहा है। ये लंबी लाइन की है। ये है मंदिर का जहां से अपन एंट्री करते हैं दर्शन करने के लिए। और जो नौमी जो आती है भादों की नौमी, उससे पहले एक दिन पहले यहाँ ये लंबी लाइन लगती है। लोगों को सुबह लाइन में लगते हैं, जब जाके शाम को नंबर आता है। और बाकी देखो वो पीछे तो मैं दिख जाए तो वो जो है पार्क है, जो कि मैं थोड़ी देर बाद या शाम को दिखाऊंगा तुम्हें। और ये कबूतर है। ओ ये
चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों ये तो रहा मंदिर, और अभी अभी खबर मिली है कि कोविड की वजह से ये जो है ना अंदर पार्क जो है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ शायद थोड़ा बहुत दिख जाए, ये बंद कर रखा है। इससे अंदर ना तो किसी को जाने दे रहे, ना तो किसी को पार्क में घूमने दे रहे, और ना यहाँ अभी नहाना भी बंद कर रखा है, ना किसी को नहाने दे रहे। वैसे पार्क बहुत बढ़िया है, ये बीच में जो है ना ये गोल, ये है पूरा ताल, और इसके उधर साइड पूरी साइड ये है पार्क बना हुआ, और ये जो लाइन है ना ये भी पीछे पीछे उसके जा रही है। इसमें शायद दिखेगी नहीं आपको, शायद दिख जाए इसमें थोड़ा सा, वो ये पूरा है। लेकिन अब इसमें अंदर नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि ये कोविड की वजह से ये बैरियर इसमें लगा रखे हैं, इनकी वजह से अंदर नहीं जा पाऊंगा अब। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब मंदिर तो खुला हुआ, मंदिर में तो लोग बाग जा रहे हैं, दर्शन तो चलो हो ही जाएंगे। अब चलते हैं दर्शन करने गुरु गोरखनाथ के। भाई दर्शन तो कर रखे हैं बंद, दर्शन हो रहे हैं केवल एलईडी टीवी पे, और टीवी भी ये नहीं कि अंदर वाला गेट है जैसे वहां, तो वहां से क्या है सामने मूर्तियां दिखती हैं, तो ये भी नहीं है कि वो खोल रखा हो जिससे कि मूर्ति दिख जाए। ये पहले वो भी गेट बंद है, ये भी गेट बंद है, यहीं जाल लगाया हुआ है, यहीं बराबर में एलईडी लगाई हुई है, यहीं से दर्शन कर लो, एक एक करके सारी मूर्तियां दिखा देते हैं उसमें, और यहीं से वापस कर देते हैं, और बाकी अंदर तक का कोई दर्शन नहीं हो रहा। जो दर्शन हो रहा है वो एलईडी पर हो रहा है, जो कि ऑनलाइन भी देख सकते हो आप। देखो अभी थोड़ा से लोग आगे जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा, एलईडी लगी हुई है, और बाकी ये इन्होंने लगा रखा है दान करने के लिए, यहाँ स्कैन करें। दोस्तों ये है पहला गेट, और यहीं पे एंड बना रखा है, ये लगा हुआ है जाल, यहीं पे ये लगा रखे हैं, यहीं अपना प्रसाद वगैरह चढ़ा दो। और ये जो अंदर वाला गेट है ना वो देखो वो है बंद, अगर वो खुला हुआ होता तब भी दर्शन हो जाते दूर से, लेकिन वो भी बंद है। और इधर एलईडी लगी हुई है पूरी, वो एलईडी में दर्शन हो जाएंगे बस वहीं से। ये एलईडी में दर्शन हो रहा है बस। ये हो रहे हैं दर्शन बस एलईडी। चलो हो गुरु गोरखनाथ की जय। दोस्तों बस यही से दर्शन हो रहे हैं, ये बाहर वाले गेट से, ये जो पहला गेट है यहीं रोके हुए हैं एंटर करते हुए, बस यहीं एलईडी लगा रखी है, वहां से दर्शन करा रहे हैं। बाकी तो सारा सब कुछ बंद है ही, ये इधर पार्क था जहां लोग बाग रुक जाते थे थोड़ा ठीक ठाक से, ये भी पूरा बंद किया हुआ है, तो लोग बाग ज्यादा रुक भी नहीं पा रहे। और बाकी भीड़ भी ज्यादा नहीं है, देखो आप पूरी लाइनें खाली पड़ी हैं, बस वहीं कुछ लोग हैं, और बाकी बाहर का है ये बाहर वाला एरिया है, यहाँ भी कोई ज्यादा ऐसी खास भीड़ नहीं है। अब यहाँ दर्शन जैसे भी हो रहे हैं वो दर्शन कर लिए, दर्शन भी नहीं हो पाए, मंदिर भी बंद है, पार्क भी बंद है, पूरा एरिया है वो भी बंद है, नहाने के लिए ताल भी बंद कर रखा है इन्होंने। अब बस यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, यहाँ के अंदर के जो पट खोल दिए गए हैं तो अंदर का थोड़ा सा यहाँ से दिख रहा है, सामने जो है ना नौनाथ की मूर्तियां वो दिख रही है, कैमरे में तो नहीं आ पा रही लेकिन वैसे दिख रही है। अभी खुला है ये गेट, बाकी पूरे दिन बंद था, और बाकी ये टीवी तो चली रही है। जय हो। बाबा के दर्शन हो चुके हैं, अंदर तक तो नहीं जा पाए, लेकिन यह लास्ट में जो बीच में गेट था वो खोल दिया तो बाहर से दिख गए थे, और अब यहाँ से सब जा रहे हैं, ये सब ये रहे, और अब यहाँ से सीधे पहुंचेंगे बाबा की समाधि पे, यहाँ से थोड़ी सी दूर है, पैदल ही जाएंगे। और यहाँ तो मतलब वहां का पता चले, यहाँ तो ये सब बंद ही है ज्यादातर सारी चीजें, बस ये है कि बाहर से दर्शन हो गए। जय बाबा की। निकल रहे हैं अब यहाँ से, अब पहुंचेंगे सीधे समाधि पे।
लेडी है।